दो दिवसीय कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय कौशल महोत्सव का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शिरकत करेंगे। महोत्सव में शिरकत करें 112 कंपनियों के पास 51,974 वैकेंसियां उपलब्ध हैं, तो इतने लोगों को मिलेगा रोजगार। महोत्सव में शामिल होने के लिए अब तक 23,991 कैंडिडेट्स अपना पंजीकरण करा चुके हैं और 25,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया। युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा नेता नीरज सिंह द्वारा राजधानी लखनऊ में लखनऊ कौशल महोत्सव का दो दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस समय हम उसी स्थान पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप युवाओं की संख्या देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में तमाम कागजों को लेकर आज युवा इस मेले में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं से उनके अंदर आस है कि इसके माध्यम से हमें रोजगार मिल सकेंगे। लगभग 50,000 से ज्यादा रोजगार यहाँ पर दिए जाएंगे और उसी के साथ साथ तमाम लोगों को मोटिवेशन लेटर है, ऑफर लेटर है, तमाम जो ऐसी सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर दी जाएंगी। आप देखें यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो युवा हैं, जो उसी में कह सकते हैं कि महिलाएं हैं वो भी पहुँच रही हैं। मैम, इस मेले को कैसे देखती, लगता है कि रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा? हाँ, होना चाहिए। आई हैं लखनऊ से ही हूँ। सपना देखा मैं भी, हो सकता है। और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? अम्बेडकर नगर से। जो रोजगार को लेकर आपने एक अपना ड्रीम देखा होगा, लग रहा है कि आज यहाँ पर रोजगार जी जी मिलेगा, उम्मीद। कैसे देखते हैं इसको आप, आज के मेले को कैसे देखते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं और सभी का ये कहना है कि इसके माध्यम से हमें उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश तिवारी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। लखनऊ कौशल महोत्सव के दो दिवसीय कार्यक्रम का आज से शुभारंभ किया जा रहा है और युवा नेता नीरज सिंह इसको आयोजित करा रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किस तरीके से काम करेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? लखनऊ कौशल महोत्सव ये माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश, इन सब के सहयोग से यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीबन देश की नामचीन 112 कंपनियां यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जो वैकेंसी इन्होंने क्रिएट की है वो करीबन 51,000 से भी ज़्यादा हैं और जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हुए हैं वो करीबन 26,000 के करीब हैं। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी विगत कई वर्षों से नहीं हुई है। यह लखनऊ के इतिहास में नहीं, उत्तर प्रदेश और भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर ये लखनऊ कौशल महोत्सव बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश तिवारी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।